नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिराक मैट्रिक्स के बारे में। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में 7 नंबर का आ सकता है या किसी क्वेश्चन के साथ टेल के रूप में आ सकता है। टेल के रूप में कैसे, जैसे कि 40 नंबर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिराक वेव इक्वेशन, डिस्कस है डिराक मैट्रिक्स, 40 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 40 नंबर का आता है तो पहले आपको डिराक इक्वेशन लिखना है, उसके बाद उसी के रूप में हमको वहाँ पे अल्फा एक्स अल्फा ये सब कंडीशन आपको दिखाया था। ठीक है, तो उसी कंडीशन को फिर यहाँ से लाके उसके बाद मैट्रिक्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, तो हम थोड़ा सा डिफाइन दिखा देते हैं आपको। जैसे कि पिछले वीडियो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से किए थे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस माइनस, फिर ये एक्सप्रेशन आया था हम लोग का। ठीक है, उसके बाद हम लोग ई की जगह आयोटा एच कट करली बाई करली टी, ठीक है, और पी की जगह माइनस आयोटा एच कट डेल पुट किए थे। ठीक है, पुट करने के बाद कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, उसके बाद हम दोनों तरफ इसको साई से गुना कर दिए थे। वो जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, उसको सॉल्व करना आसान नहीं था, तो उसकी जगह हम क्या किए थे, तो उसका रूट तो निकाल नहीं सकते थे उसका, तो हम लोग क्या कहते हैं, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बदले हम लोग ये कंडीशन पुट किए थे। ठीक है, ये कंडीशन पुट करने के बाद अल्फा की जगह अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड पुट किए थे और पी की जगह पी एक्स पी वाई पी जेड पुट किए थे। ठीक है, तो हमको कुछ एक्सप्रेशन मिला था ये, फिर क्या करना था, हम तो आपस में गुना गुना किए थे, सेम चीज़ को दो बार गुना किया था आपस में, तो हमको ये सब टर्म मिला था। इस टर्म में हम क्या फिर कोफिशियंट को इक्वेट किए थे, पी एक्स स्क्वायर पी वाई जेड पी जेड। ठीक है, तो ये सब इक्वेट किए थे, तो वही से हमको अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड ये सब कंडीशन मिला था। इसी कंडीशन को, ठीक है, आपको यूज करना है। ठीक है, आप पिछला वीडियो को देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है, व्हाट डिफाइन डिराक मैट्रिक्स, तो हम लोग ये कंडीशन को डायरेक्ट लिखेंगे वहाँ पे, जैसे हम इसलिए इसको ए बी सी माने थे। क्या माने थे, ये पूरा ए है बी है और ये सी है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखे फ्रॉम ए बी सी। तो फ्रॉम ए बी सी हम क्या मिला, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर प्लस अल्फा जेड स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये चीज़ हमको मिला था। फिर अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा जेड इक्वल टू है अल्फा वाई अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई, ठीक है, प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा एक्स बराबर सब मिला क्या क्या है, 0 था। ये सर ये तीनों क्या था, सारा 0 था, ये पूरा टर्म, ये भी 0 था, ये भी 0 था और ये भी 0 था, इसलिए क्या हो गया, सब आपस में 0 है। फिर और हम कंडीशन क्या मिला है, अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स बराबर 0 था। ठीक है, ये कंडीशन हमको मिला, ये तीनों को हमको लिख देना है। ठीक है, अब फ्रॉम द अबव फॉलोइंग डिडक्शन कैन बी मेड अबाउट अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड एंड बीटा के बारे में हम लोग अब क्या पता चला, तो केक क्या पता चला है कि देयर स्क्वायर रूट आर यूनिटी, हम देख रहे हैं इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है क्या है, यूनिटी 1 आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, एंटी कम्यूनिट है। क्या है एंटी कम्यूनिट, मतलब अल्फा एक्स बीटा इसको उधर ले जाएंगे तो सेम वही चीज़ है, बस ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ का नेगेटिव, इसलिए बोल रहे इसको ये एंटी कम्यूनिट है। दूसरा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज द ओनली अल्टरनेटिव, मतलब इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ मैट्रिक्स के द्वारा ही निकाला जा सकता है, मतलब ये सब एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स बराबर 0 लेंगे पहले। ठीक है, फिर इसको उधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। इसके बाद हम उसको दोनों साइड बीटा से गुना करेंगे, तो इधर भी बीटा से गुना किए और इधर भी बीटा से, पहले से बीटा था इधर। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर हो गया और बीटा स्क्वायर बराबर होता है 1, ये हम जानते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिटी इस प्ले यूज किए थे इक्वेशन में, तब इसे क्या पता चला कि ट्रेस ऑफ बीटा अल्फा एक्स बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स। ठीक है, ट्रेस मतलब क्या हुआ, ट्रेस मतलब जो डायगोनल होता है, ठीक है, उसका सम। ठीक है, तो यूजिंग साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी, तीनों क्या होगा, बराबर होगा, तो एल एच एस बिकम, तो एल एच एस क्या हो जाएगा, ये जो एल एच एस है, तो ट्रेस ऑफ बीटा स्क्वायर अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स, ये बीटा स्क्वायर 1 हो गया
ठीक है, तो इसको वन पुट, या क्या हो जाएगा, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ अल्फा एक्स बचेगा, तो ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स। तो इससे क्या पता चला, ए क्वांटिटी विच इज नेगेटिव ट्रेस ऑफ इट्स सेल्फ मीन्स ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स बराबर जीरो। मतलब एक क्वांटिटी जो क्या है अपने आप का ही नेगेटिव ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा एंड बीटा मैट्रिक्स आर ट्रेसलेस, मतलब इसका मतलब है अल्फा और बीटा क्या है, ट्रेसलेस है, ट्रेसलेस होगा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर हर्मिटियन, अल्फा और बीटा क्या है, हर्मिटियन है। तो ये हम लोग इक्वेशन को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका तो कोई कंडीशन है एच और एस प्लस, ठीक है, पी और पी प्लस, डायरेक्टली हर्मिटियन शुड बी हर्मिशियन। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका डायमेंशन होना चाहिए, ठीक, किस डायमेंशन का होगा, ये टू इंच टू होगा या थ्री इंच थ्री होगा, ये हम कैसे जानेंगे। तो पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बोल रहा है कि ओल्ड और डायमेंशन थ्री इंटू थ्री इज नॉट पॉसिबल, और ट्रेसलेस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड विद मल्टीपल ऑफ टू। ट्रेसलेस मतलब ट्रेस मतलब डायगोनल जो कंडीशन होगा, अगर ये थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है, तो किसी भी तीन नंबर पे जोड़ने से कभी जीरो आ सकता है क्या? पहले मान लो मैं इसको माइनस ले लिए, इसको अगर प्लस ले ले फिर, तो ये कभी जीरो आएगा नहीं, किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं आ सकता है। तो ये थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स ये नहीं हो सकता है। तो मतलब जब भी होगा ये टू का मल्टीपल का ही मैट्रिक्स होगा, या तो टू इंटू टू हो सकता है या तो फोर इंटू फोर हो सकता है। ठीक है, हेंस मैट्रिक्स आर ऑल ओवर टू बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर वन होने वाला है। ठीक है, तो आइजन वैल्यू आर वन और माइनस वन। इस बात क्या लिखना है, लेट अस कंसिडर द लोवेस्ट इवन डायमेंशन टू इंटू टू मैट्रिक्स। ठीक है, साई एक्स साई वाई साई जेड एंट्री मैट्रिक्स आई है, ठीक है, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड। इसके बाद ये लिख देना आपको, अल्फा एंड बीटा शुड एंटी कम्यूट विथ इच अदर। ठीक है, अल्फा और यहाँ पे बीटा है, दोनों एंटी कम्यूट होने चाहिए। फिर साई एक्स साई वाई साई जेड एंटी कम्यूट विथ इच अदर, ठीक है, बट नॉट विथ आई, आई के साथ नहीं होना चाहिए। हैंस टू इंटू टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिराक मैट्रिक्स एंड वी हैव फोर इंटू फोर मैट्रिक्स विच एंटी कम्यूट। ठीक है, अब बीटा माने हैं आई टी मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ ये भी माइनस एंटी मैट्रिक्स है, ये जीरो जीरो, ठीक है। फिर अल्फा के, ठीक है, जीरो, सिग्मा के जीरो जीरो, ठीक है, के एम बराबर एक्स वाई जेड लिखना है आपको। फिर बीटा बराबर गामा टू द पावर फोर है, गामा फोर है, ठीक है। फिर पहले क्या करना है, ये डायगोनली पुट कर देना है, वन वन माइनस वन माइनस वन, ताकि दोनों को जीरो डायगोनल जोड़ने से जीरो आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। फिर अल्फा वन लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ डायगोनल इस तरह से रूप में डायगोनल दिख रहा है, ठीक है। उससे अल्फा टू लिखना है, तो यहाँ पे माइनस आई आई माइनस आई माइनस आई, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको गामा थ्री में वन माइनस वन, ठीक है, फिर वन और माइनस वन, इस तरह करके आपको रिप्रेजेंट करना था। तो लास्ट में आपको बस यही मैट्रिक रूप में दिखाना था। और वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।